टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी पर उनकी वाइफ हसीन ने मारपीट और जान से मारने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हसीन जहां के मुताबिक शमी के कई अन्य लड़कियों से नाजायज रिश्ते हैं, वहीं शमी ने इन आरोपों को उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है। वाइफ ने शमी पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर इस क्रिकेटर की प्रतिक्रिया भी आ गई है। शमी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को अपने खिलाफ साजिश बताया है। शमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन आरोपों को लेकर सफाई दी। शमी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हाय मैं मोहम्मद शमी हूँ। ये जितनी भी न्यूज हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में चल रही है ये सब सरासर झूठ है। ये हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है और ये मुझे बदनाम करने और मेरा खेल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, शमी की पत्नी ने जो अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए शमी पर जो आरोप लगाए हैं उस पर लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया है। लोगों ने कैप्टन कूल धोनी के साथ शमी की पत्नी की फोटो शेयर करते हुए पूछा है कि तुमने भी धोनी के साथ फोटो खिंचवाई है तो क्या तुम धोनी की गर्लफ्रेंड हो। हालांकि शमी के इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि ये ट्वीट खुद शमी ने नहीं किया है, क्योंकि ट्वीट में जिस तरह की हिंदी लिखी गई है वो बांग्ला स्टाइल की लग रही है और यूपी के रहने वाले शमी की हिंदी बेहद स्पष्ट है, उसमें बांग्ला टोन नहीं है। बता दें कि शमी फिलहाल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हैं, जहां वे अभी देवधर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। शमी की वाइफ हसीन जहां ने मंगलवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर कई फोटोज शेयर करते हुए शमी पर कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था। हसीन जहां ने जो फोटोज शेयर किए थे उसमें शमी और उन लड़कियों के बीच हुई व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट थे। हसीन जहां ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि इस क्रिकेटर के कई महिलाओं से नाजायज संबंध हैं। भड़की हुई शमी की वाइफ ने पाकिस्तान के कराची की एक कथित प्रोस्टिट्यूट की तस्वीरें भी डाली और उसके साथ शमी की चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इसमें से एक फेसबुक चैट करीब डेढ़ साल पुरानी अक्टूबर 2016 की है। एक अन्य फोटो में शमी एक महिला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसे भी शमी की गर्लफ्रेंड बताया गया।